नमस्कार, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। अल्प प्रवास पर रीवा आए ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने विधायकों के खरीद फरोख्त के संबंध में पूछे जाने पर कहा कि यह भाजपा का चरित्र ही है जिसे नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि यह हमेशा ही सत्ता हथियाने के लिए षड्यंत्र रचते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायक कांग्रेस की विचारधारा के साथ पार्टी में आए हैं और उन्हें कोई खरीद नहीं सकता है। वहीं भाजपा के विधायकों का कांग्रेस में शामिल होने की बात पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा और उसकी कार्यशैली से प्रभावित होकर ही भाजपा के विधायक कांग्रेस में शामिल होंगे, यदि ऐसा हुआ तो उनका स्वागत है। पंचायत मंत्री ने कहा कि हम खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करते, केवल अपनी कार्यशैली और विचारधारा के साथ काम करते हैं। मंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्त आने पर हम बता देंगे कि कौन किसके साथ है। भारतीय जनता पार्टी का ये असली चरित्र है और जो कई राज्यों में पहले उजागर भी कर चुके हैं और वही काम मध्य प्रदेश में भी करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके जो मसूबे हैं, उनकी जो इच्छा है, उसकी पूर्ति नहीं होगी। मध्य प्रदेश के समस्त विधायक बहुत समझदार हैं और अपने अधिकारों को समझते हैं। वो भले उनके धर प्रकरण में प्रलोभन में थोड़ी देर के लिए विचलित हो गए हों, पर वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं कि किस दल से चुन के गए हैं और उनकी क्या जिम्मेदारी है, जनता ने क्यों बदलाव किया है। मध्य प्रदेश की सरकार में अगर बदलाव हुआ था, कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो मध्य प्रदेश की आम जनता के हित के लिए बनी थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन विधायकों का कांग्रेस पार्टी को समर्थन हासिल था, उनके चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हों और चाहे प्रदेश के विधायक साथी हो, सारे माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क में हैं। थोड़े बीजेपी के विधायक बहुत सारे संपर्क में हैं, पर उस तरह से संपर्क में नहीं है कि जिस तरह से ये लोग खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से कांग्रेस सरकार कार्य कर रही है जनता के हित में, ये देखते हुए कई विधायकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है और वो कई विधायक हम लोगों के संपर्क में हैं। समय आने पे पहले भी जवाब दिया है, फिर जवाब दिया। आपकी पार्टी के ही बड़े नेता आपकी पार्टी से नाखुश हैं। अजय सिंह ने कहा कि हमारी कोई नहीं सुनता। देखिए, उनने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान 15 साल का जो गड्ढा है, एक दिन में तो पूर्ति नहीं हो सकती है। हमारी सरकार ने तो नीति बनाई है, 70% स्टेट के लोगों, प्रदेश के लोगों को अगर कहीं भर्ती होगी, प्राइवेट संस्थानों में भर्ती होगी, सरकारी नौकरियों में भर्ती होगी, तो प्रदेश के लोगों को हम 70% प्राथमिकता देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जिस परिस्थिति में हमें सरकार मिली थी, उस परिस्थिति विपरीत परिस्थिति के बाद भी प्रदेश की जनता के हित में काम कर रहे हैं, चाहे वो गरीबों से संबंधित हो, चाहे किसानों से संबंधित हो, चाहे नौजवानों से संबंधित हो, हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। सरकार को किसी प्रकार का संकट नहीं है। संकट अब भारतीय जनता पार्टी का शुरू हो गया है।